हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं। बहुत छात्र फेल हुए हैं, वो यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इम्प्रूवमेंट या फिर बैक पेपर देने वाले हैं। तो उनके लिए हम लेके आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है ये। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है अच्छे तरीके से, जिसमें आपको, मैं आपसे वादा करता हूँ, देखो एक्स्ट्रा पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप 85% लाना चाहते हैं, 85% आपसे गारंटी के साथ में आप स्टाम्प पे लिखवा सकते हैं। स्टाम्प होता है, उस पे भी लिख के दे सकता हूं मैं कि 85% प्लस फंसेगा यहां से। पीछ कम तो फंस ही नहीं सकता। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो समझ रहे हो ना, तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। आपकी बैक आने का तो कोई चांस ही नहीं है। जो बैक आई है आपने कहाँ से पढ़ा है मुझे पता नहीं। यदि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा तो आप फेल नहीं हुए होगे, ये जानते हो तुम लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ में एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बीकॉम पेपर हैकर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बीकॉम के छात्र हैं और आपको बीकॉम की ही वीडियो चाहिए। यदि कोई बीएससी का छात्र है तो बीएससी पेपर हैकर को सब्सक्राइब करें, बीए का छात्र है तो बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब करें, और पेपर हैकर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेपर हैकर के बाद ही वहां वीडियो पढ़ पाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने भी हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चनों की। तो चेक कर लेते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी हो, बुक हो, नोट्स हो, गैस पेपर हो, उसको ओपन करो और जो हम बता रहे हैं वो उसको टिक लगा लो। पहला क्वेश्चन आप याद करेंगे, नियोजन की परिभाषा क्या होती है। तो नियोजन के बारे में याद कर लीजिए, ये किस प्रकार से प्रक्रिया, उद्देश्य और उसके महत्व को याद करेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी महत्व क्या है नियोजन के, वो आप याद करेंगे। आप चाहते हैं तो इनके ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अपने तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चन को, नियोजन की परिभाषा क्या है, अब आपको लिख के अच्छी तरीके से उसको आपको मेंशन करके आपको तक पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से, आप वो भी देख सकते हैं। और जो इसके छात्र के एमसीक्यू को क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिन छात्रों के आ रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप को भी डाउनलोड करके कर सकते हैं या फिर हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने खुद से पीडीएफ बनाई है आपके लिए। दूसरा है अभिप्रेरणा प्रबंध क्या है, उसकी विशेषता, कार और महत्व के बारे में देख लेना। अभिप्रेरणा प्रबंध किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके महत्व क्या है, उनके क्या कार्य है, इनको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्णय क्या होता है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या विधि अपनाई जानी चाहिए, मतलब एक निर्णय होता क्या है, निर्णय का अर्थ क्या है, मतलब निर्णय किसे कहते हैं। हमने एक सही निर्णय लिया कि हम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने लिया, लेकिन एक सही निर्णय में पहुंचने के लिए क्या विधि अपनाई जानी चाहिए। आपको जब तक प्रूफ नहीं होगा कि ये सच में ये बता रहे हैं ये सही है या गलत है, तब तक आप कैसे पहचान कर पाएंगे। पहचान करने के लिए आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे कि सर ने जो बताया था वही आया था, तो आप उस समय पहुंच चुके होंगे। 2020 का पेपर उठा लेना, 2020 के इंप्रूवमेंट का उठा लेना, 2021 के मेन एग्जाम का उठा लेना, सारे क्वेश्चन जो बताए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे, सब जानते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन को ध्यान से टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नृत्य किसे कहते हैं, नृत्य को हम नेता भी बोलते हैं, नेता की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं, इसको याद करेंगे, और जिसकी विशेष शैली और उसकी विशेषता और गुण के बारे में याद करेंगे, ठीक है? उसके बाद में आ जाता है प्रत्यावर्तन क्या है, इसकी आवश्यकता, उसकी महत्व की विवेचना करेंगे, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इसके क्या महत्व है, किसके, प्रत्यावर्तन के, इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक लगा लो, जिसे कहते हैं संप्रण से, देखिए संप्रण की परिभाषा क्या है, ये क्यों आवश्यक है और इसकी विशेषता और इसकी महत्व क्या है,
ठीक है, संप्रेरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसको और इसकी क्या विशेषता है यह याद करेंगे। नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, नियंत्रण क्या होता है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक बार आप याद कर लोगे, पढ़ लोगे तो बना बना के इसको लिख के आ जाओगे, मुझे पता है। प्रभावशाली नियंत्रण से नियंत्रण के चरणों और उनकी विशेषता, उनके महत्व को याद करेंगे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद में है नियंत्रण तकनीकी क्या होती है, उसकी विशेषता, उसके विभिन्न तरीकों का वर्णन करेंगे, मतलब नियंत्रण किसी चीज को नियंत्रण टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीकी, उसकी विभिन्न तकनीकी जितनी बन चुकी है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। और भारत में जो कह सकते हैं, भारत में प्रबंध की आवश्यकता के कारण क्या है, तो भारत में कुछ प्रबंध की आवश्यकताओं के कारण दे रखे हैं, उन कारणों को याद कर लेना, 7 से 8, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 7-8 कर लेना, बहुत हो जाएंगे। ठीक है, यहां बोला गया है प्रबंध की भूमिकाओं, प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर आपको बताना है, ये अंतर याद कर लेना कि प्रबंधकीय भूमिका क्या होती है, प्रबंध क्या होता है, प्रशासन क्या होता है और संगठन क्या होता है, उनको देख लेना। प्रबंध की कह सकते हैं प्रासंगिकता अधिगम क्या है उसके बारे में, और नम प्रतिष्ठित विचारधारा क्या है, इनके बारे में याद कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको टिक लगा लेना अपने बुक नोट्स में। आदर्श संगठन क्या होता है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद में आता है व्यूह रचना नियोजन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर, विभेद का मतलब होता है अंतर, अधिकार क्या हो और उत्तरदायित्व क्या होता है, इन दोनों में आप अंतर पढ़ लेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर आता है बहुत ज्यादा, इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ये आता है जनवर के अभिप्रणा सिद्धांत के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संप्रेरण के जाल के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। संदेश वाहन के मार्ग से आप, वो बाधा आती है ना, कह सकते हैं संदेश वाहन के मार्ग से क्या बाधा आती है वो आपको बताना है, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं। ठीक है, मौसलों की विवेचना की धारा के बारे में, विचारधारा जो थी मौसलों की विचारधारा के बारे में याद कर लेंगे, बस इतना आपको इस पेपर में देखना है। उसके बाद में हम इनकम टैक्स के पेपर की बात करेंगे सेकेंड वीडियो में, इनकम टैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, इनकम टैक्स के बारे में जो पेपर आपका आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, और हाँ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप छोटे छोटे क्वेश्चन है एक बार पढ़ेंगे सब कुछ याद आ जाएगा, याद फिर भी नहीं आता है बना बना के पेपर को पूरा लिखे आना, लेकिन छोड़ के मत आना किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, जो याद है पहले वो करना और जो याद नहीं है उसके बाद में वो भी करेंगे, लेकिन छोड़ के कोई क्वेश्चन को नहीं आएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।